हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज गुप्ता और टेक्निकल पंकज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है पाई ऐप को ट्विटर में वेरीफाई किया गया है और पाई में KYC कैसे करना है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें, और इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, पाई कोर टीम द्वारा एक और अपडेट आया है जिसमें पाई को ट्विटर अकाउंट पर आप विजिट करके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। पाई नेटवर्क का ट्विटर अकाउंट पर वेरीफाई होने से एक विलिप सिस्टम क्रिएट हो गया है, जिससे यह तो तय है कि आने वाले समय में धमाल मचाने वाला है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, पाई की माइनिंग को बंद न होने दें और जितना हो सके उतना अपनी टीम क्रिएट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ऊपर जो रेफर कोड शो हो रहा है इस रेफर कोड को यूज करें, क्योंकि मेरा माइनिंग कभी बंद नहीं होता। दोस्तों, आज पाई का ट्विटर पर वेरीफाई होने से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि पाई की कीमत बढ़ना तय है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो टॉपिक है KYC पर। जी हाँ दोस्तों, KYC को लेकर, अकाउंट का वेरिफिकेशन को लेकर बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है। इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने KYC और अकाउंट वेरिफिकेशन को लेकर कमेंट किया है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहली बात कि दोस्तों, आपको पाई से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख लें, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता है। और नए पाई मेंबर को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी देखें, जिससे आपके में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों, मोबाइल की KYC या अकाउंट वेरीफाई की बात करें तो जिन्होंने अपने मोबाइल से पाई ऐप को लॉगिन किया है या जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन किया है, केवल एक काम करना है। और जिन्होंने मोबाइल और फेसबुक दोनों से पाई ऐप को लॉगिन किया है, उन्हें भी केवल एक काम करना है। और जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का मेंशन दिया है, जो कि आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। वो कैसे, तो एक एक करके बताता हूँ, ताकि दोस्तों आपके दिमाग में KYC का कीड़ा ख़त्म हो जाए और आप पूरे फ्री होकर पाई क्वाइन को कलेक्ट करने में फोकस करें। पहली बात कि जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर से पाई ऐप को लॉगिन किया है, और जिन लोगों ने मोबाइल से और फेसबुक अकाउंट दोनों से पाई ऐप को लॉगिन कर लिया है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने पाई नेटवर्क के ऑफिशियल वेबसाइट, ट्विटर और भी जो सोशल साइट पर सोर्सेज हैं, उपलब्ध हैं, पर पता किया है, जहां पर KYC को लेकर एक ही बात बताया गया है कि पाई फेज 2 में चल रहा है और पाई की KYC को लेकर कई ऑर्गेनाइजेशन स्कैम कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिससे आप अपना पैसा खो सकते हैं और आपकी पहचान चोरी हो सकती है। सभी पाई माइनर्स अच्छी तरह से जान लें और पाई की KYC से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वह आपके पाई ऐप में ही आएगा, आप किसी दूसरे मोबाइल ऐप के द्वारा KYC न करें। वर्तमान में जिनका KYC हो रहा है उनका KYC पाई कोर टीम के द्वारा फ्री में KYC हो रहा है, और भविष्य में यदि आप फ्री KYC के लिए चुने जाते हैं तो आपको पाई कोर टीम की ओर से सूचित किया जाएगा। वह नोटिफिकेशन आपके पाई ऐप में ही आएगा, और जो भी नया अपडेट आता है वह आपके पाई ऐप के स्क्रीन पर शो करने लगेगा। इसलिए दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल ऐप में आता है उसे ही सही माने। और दूसरी बात, मोबाइल वेरीफाई की है, जो कि आप अपने मोबाइल से लॉगिन किया है, तो यहाँ पर इस नंबर पर मैसेज करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिसका आपको चार्ज भी देना होगा। यह चार्ज 10 रुपये तक हो सकता है, और जिन्होंने फेसबुक से लॉगिन किया है उन्हें किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं देना होगा। फिर भी दोस्तों, अभी आप केवल अपनी पाई को कलेक्ट करने पर ध्यान दें। जब पाई कोर टीम की ओर से KYC पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको हमारे चैनल पर तुरंत मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको नई वीडियो का इन्फॉर्मेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, जानकारी कैसा लगा एक लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।